जय हिंद साथियों, माय सोशल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे किसी भी फोटो को पीएनजी फोटो बनाया जाता है। दोस्तों, आपके ही मोबाइल से बिना एप्लीकेशन से किसी भी फोटो की पीएनजी फोटो बना सकते हैं। दोस्तों, पीएनजी फोटो वह होता है जो किसी भी फोटो की बैकग्राउंड को हटा दिया जाता है और उसे किसी भी बैकग्राउंड पर लगा दिया जाता है, उसे पीएनजी फोटो कहा जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है www.removepng। चलो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ दोस्तों, www.removepng। दोस्तों, आप इस प्रकार से www.removepng टाइप कर लीजिए और आपको यहाँ पे सर्च करना है। दोस्तों, सर्च करने के बाद आपके पास इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। आपके पास यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज रिमूव बीजी। दोस्तों, आपको यहाँ पे टच करना है। उसको टच करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट ए फोटो। आपको यहाँ पे ग्रीन बटन को दबाना है। इस बटन को दबाने के बाद आप सीधे आपके मोबाइल की गैलरी पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। चलो मैं आपको यहाँ पे ये फ़ोटो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों, फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर डन का बटन दिख रहा है, यहाँ दबा दीजिए। डन दबाने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से नंबर चालू है यहाँ पे और आपकी फ़ोटो नीचे आ चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है पीछे की पूरी तरह से हट चुका है और आपका फ़ोटो पीएनजी फोटो बन चुका है। इसे डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, नीचे यहाँ ग्रीन बटन में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे दबा दीजिए। इसको दबाने के बाद आप देख सकते हैं नीचे ओपन करने के लिए कह रहा है। आप चाहे तो ओपन करके देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए, पीछे पूरा ब्लैक दिख रहा है और पूरी तरह से फोटो की बैकग्राउंड जो है हट चुका है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ गैलरी में खोल के। दोस्तों, गैलरी में आप देख सकते हैं पीछे की बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से हट चुका है और आपका फोटो पीएनजी के रूप में तैयार हो चुका है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।